ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमने गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लिया है। ये गेहूं के आटे का गुलाब जामुन है, देखिए कितना ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ममता। दोस्तों आज आइए आप सभी को आटे का गुलाब जामुन, गेहूं के आटे का गुलाब जामुन बना के दिखाते हैं। तो बहुत कम सामान में और बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल मार्केट जैसा, हम आपको आटे का गुलाब जामुन बना के दिखाएंगे। आटे का गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने गैस को जला लिया और गैस पर रख दिया है कढ़ाई को, और कढ़ाई में हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच के करीब घी। घी डाल देते हैं, घी हमारा गर्म हो रहा है। और ये हमने 1 कटोरी नाप के पूरा आटा लिया है। इस आटे को अब हम हल्का हल्का ऐसे इसमें डाल के स्लो आंच पे धीरे धीरे इसको भून लेते हैं। ऐसे चला के अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। भून के उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है, और आटे का कलर जो है कच्चापन इसका निकल गया है, चेंज हो चुका है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। आटे का डो लगाने के लिए हम गुनगुन पानी को गुनगुना कर लेते हैं। आटे का गुलाब जामुन बनाने के लिए हमारा आटा जो भून के हम तैयार किए थे वो आटा हमारा ठंडा हो चुका है, और ये हम गुनगुना पानी ले लिए हैं। अब इसका हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे, और यहीं पर अगर आपके पास हो तो दूध की मलाई डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और तो अब हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह एक मुलायम सा डो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। आटे का गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने डो को तैयार कर लिया है। डो ऐसे थोड़ा सख्त ही रहना चाहिए, और जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं उससे थोड़ा सख्त ही रहेगा। और थोड़ा सा हमको मुलायम होने के लिए हम थोड़ा सा इसमें तेल लगा के फिर इसको अच्छी तरह से इसको डो को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम ऐसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आटा ले करके और ऐसे हमें इसका गोल गोल गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम ऐसे गोल गोल गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। एक और बना के दिखाते हैं। ऐसे तैयार कर लेंगे, इस तरह हम सारा गुलाब जामुन बना के आप सभी को दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने सारे गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस के पास। आप लोग देख सकते हैं हमने चाशनी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब चलते हैं, ये हमारी चाशनी है, और चाशनी को हम अच्छी तरह से तैयार कर चुके हैं। अब चलते हैं इसको गुलाब जामुन को तलते हैं। गुलाब जामुन को तलने के लिए हमने कढ़ाई में डाल दिया तेल को, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक गुलाब जामुन डाल के इसको तल लेते हैं अच्छी तरह से। जितना एक बार में आए उतना ये गुलाब जामुन डालेंगे। हमारा गुलाब जामुन कुछ इस तरह से बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा आटे का गुलाब जामुन कुछ इस तरह से बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा से आ गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं, और इसको निकाल के चाशनी में डाल देते हैं। बन
सब लोग देख सकते हैं हमने सारा गेहूं के आटे का गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिया। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।